फिर से कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी 1/6 है, तो भैया 1/6 एफिशिएंसी है 1 माइनस, अब टेम्परेचर है T1 एंड T2, T2 इज लोअर्ड बाय ओके देखिए T2 को हमें लोअर करना है बाय 62 केल्विन, और देखिए T2 को कम करने पे एफिशिएंसी बढ़ रही है, इससे पता चलेगा T2 कौन है। ठीक है, देखिए यहां पे आता है T लोअर अपॉन और यहां आता है T हायर। अब देखिए अगर हम इस टेम्परेचर को कम करते हैं एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है हाँ एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब इसको कम किया जा रहा है, इसे कम किया जा रहा है क्लियरली। तो पूछा गया है T1 एंड T2 की वैल्यूज क्या है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पहले मान लीजिए यहाँ T2 को लोअर कर दिया गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे T2 बाई T1, ये हमारी पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन में एफिशिएंसी 1/3 है जी, तो ये हो जाएगी 1 माइनस, अब T2 को कम कर दिया है T2 माइनस 62 और बाय 2 और बाय T1 को बिल्कुल नीचे चला गया है। अब इनको सॉल्व करना है आपको, पर इसको सॉल्व करना तो मुश्किल काम नहीं है, इनको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट में 2 आ जाना चाहिए, 2 आ जाएगा, कैसे आएगा 1/2 आएगा, खैर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, हमसे बहुत आसान सा सवाल है, तो लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। लेट मी टेल यू द आंसर फर्स्ट, इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है होगा 25 का आंसर है ए, तो ये इनके आंसर्स आएंगे, सॉल्व कर सकते हैं सभी लोग आप लोग।